हेलो रिबॉन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पटेरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लेइंग पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। स्टॉकिंग की एनर्जी है ये। इंसान आपकी तरफ देख तो रहा है, हालांकि शायद बात नहीं हो रही हो या बात नहीं कर रहे हैं, लाइक नो सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक जो भी है, बट समहाउ ऐसा है ना कि ये आपको देख तो रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं, किसी भी तरह से ये आपको देख रहे हैं, दूर से ही सही बट आपको देख रहे हैं। और हाँ, स्नीकी एनर्जी है, जैसे कि छुप छुप के देख रहे हैं। एंजल नंबर 69 शायद आपको बार बार दिख रहा हो, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से एनर्जी फील हो रही है ना मुझे, कि जहाँ पे दोनों के इमोशंस है ना इक्वली अपोजिट है, इक्वली अपोजिट है। कुछ तो है ऐसा, जैसे ऐसा लग रहा है ना कि आपको मूव ऑन करने का मन कर रहा हो, या फिर आपको इनकी तरफ ना देखने का मन कर रहा हो, और सेम टाइम इनको उल्टा हो रहा है, लाइक ना इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपकी तरफ आए, आपसे बात करे, आपसे जुड़े। और आपसे जुड़ने का मतलब बहुत मन कर रहा है, और एक तरफ आप हो ना कि आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना, आप शांत हो, खामोश हो। एक वक्त था जैसे आप इनके बिना आपके इनसे दूर रह नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी इनसे दूर जाने की कोशिश में हो, मतलब कि इंतज़ार वगैरह है ना, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि इतना मन नहीं कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा ना कि कुछ चीज़ें ना ये भले आ जाए लेकिन ये उस कदर से नहीं आएंगे या उस तरीके से नहीं आएंगे जैसे आपको चाहिए। आप काफ़ी ज़्यादा ना हर्मिट मोड में नज़र आ रहे हो, हर्मिट मोड। एक ऐसा इंसान ना जिसे खामोश रहना पसंद आने लगा है, पसंद मतलब मजबूरी है, मर्जी हो, बट अकेले रहना पसंद करता है और अपने आप में रहना पसंद करता है। लोगों को लगता होगा कि ये तो घमंडी है, अहंकारी है, मतलब अपने आप को ज़्यादा ही समझने लगे हैं, लेकिन आप पता नहीं कि अपनी फीलिंग्स, अपनी सोच कहीं पे जाहिर नहीं करना चाहते, अपनी एक्सप्रेशन पावर है ना वो मतलब एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहते अपनी फीलिंग्स। आपके पर्सन उल्टा है, वो किसी खास दोस्त से आपके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। पॉसिबल है कि ये पर्सन कहीं मैरिड हो सकते हैं, या फिर लाइक ना कोई रिलेशनशिप दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा क्लोज है। उस रिलेशनशिप में ना बहुत सारे चढ़ाव से सही उतार चल रहे हैं, मतलब जो अच्छी चीज़ें भी हो रही थी या अच्छी चीज़ें भी हो रही है ना, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, प्रॉब्लम निकल के आ रहे हैं, वो सब चल रहा है। और ये है ना जैसे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी जो रिलेशनशिप है उनकी जैसे जिम्मेदारियाँ उठाते उठाते या उनके ताने उठाते उठाते, मतलब ताने सहते सहते, या फिर लाइक ना एक्सपेक्टेशन का बोझ उठाते उठाते बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ऐसा नहीं है कि इनको कहीं से प्यार नहीं मिल रहा है, कहीं इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है, इसके लिए आपकी याद आ रही है, ऐसा नहीं है। इन्हें अपनी गलतियों का एहसास इस कदर हो रहा है कि इन्होंने रॉन्ग पर्सन चूज़ किया है, या फिर रॉन्ग पर्सन का
या पर रॉन्ग पर्सन चूज़ किया है या फिर सही पर्सन चूज़ नहीं किया है, लाइक पेरेंट्स की वजह से शायद इन्होंने आपको नहीं चुना, तो एक सही पर्सन का चुनाव ना करना, राइट पर्सन का चुनाव ना करना, सिलेक्ट ना करना, ये एक इनको ना गलती का एहसास है। मैं ऐसे नहीं कह रही कि सॉरी फील हो रहा है, गलती का एहसास है कि उन्होंने गलत क्या किया है। जिस तरह से आपसे बात की है या जिस तरह से हमेशा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड का जो एक एटीट्यूड रखा है, उस गलती का एहसास हो रहा है। प्यार की बात करें तो ये प्यार आप ही की तरफ था हमेशा, लेकिन इस बात को वो समझे नहीं कभी। आपके प्यार को, आपके ओवरगिविंग नेचर को ना इन्होंने डिपेंडेंसी समझा, आपकी कमज़ोरी समझा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ना आप हमेशा इस तरह से ही रहेंगे, हमेशा इमैच्योर एनर्जी में रहेंगे, हमेशा आपको बस प्यार की बातें करनी है या फिर आपको रिश्तों की बातें करनी है, बस इतना ही है। बट बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, वो कैसे होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चीज़ें ऐसे हो रही है, स्पेशली आपके साथ, ऐसा लग रहा है कि उन्हें वो जब दूर से देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो हो रहे हो, ग्रो कर रहे हो, आप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आई है और बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी फील हो रही है, एक सुलझा हुआ इंसान फील हो रहा है, एक ऐसा इंसान फील हो रहा है ना कि जिसके पास आए, जिसके पास जिसे साथ में बैठे, साथ में बात करें ना, तो बहुत ज़्यादा सुकून फील हो कि भाई क्या मतलब, एक ऐसा इंसान जिसके साथ ना बात करने का मन करो बहुत ज़्यादा। और वो ख़ास करके अगर वो प्यार है तो और भी, मतलब और भी वो एक एडेड एनर्जी या सोने पे सुहागा वाली एनर्जी हो जाती ना, वैसी है। नहीं, मुझे अचानक से सॉन्ग सुने रहे, सतरंग में बदरंगा ये इश्क है, जोगी में गंगा तो इश्क है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना, ये एनर्जी में इन्होंने ना आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। या तो आपको बकरी समझ लिया, लेकिन आप तो शेरनी है, मतलब मेल भी है तो भी, मेल भी तो भी, मतलब वो एनर्जी वाइज बात कर रही हूँ मैं, समझने में आप गलती कर दी है। पता नहीं क्यों ऐसा लगना ना कि इन्होंने जो फ्यूचर अपने लिए देखा था ना, अपने लिए, जो अगर मेरी लाइफ होती, मेरी लाइफ आगे बढ़ती, फिर मेरी लाइफ में शादी या जो भी होती या रिलेशनशिप होते तो कैसा होता, ये जो चीज़ थी ना, वो कहीं ना कहीं वो सपने पूरे टूट गए हैं। मतलब एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी वाली फीलिंग आ रही है कि एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थी, बहुत ज़्यादा मतलब कि लॉजिकल प्रैक्टिकल वो सही थी, कम्प्लीटली उल्टा हुआ है, कम्प्लीटली उल्टा हुआ है। और ये अभी अपनी लाइफ को संभालने में बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं फील हो रहे, मतलब उनको संभालने नहीं जा रहा है। अगेन मुझे फील हो रहा है ना बार बार कि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, गलती का। और शायद इसलिए ना ये आपके तरफ इसलिए नहीं आना चाहते ना कि कहीं आप ताना ना मारो या कहीं आप ये ना समझो कि जस्ट बिकॉज इन्हें अभी ज़रूरत है या इन्हें अभी गलत लग रहा है, मतलब इन्हें आप सही लग रहे हैं वो गलत लग रहा है, इसके लिए आप आ रहे हैं वो आ रहे हैं ऐसा लगे, इसके लिए वो अजीब से डर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उन्हें ना उसी प्यार से और उसी रिस्पेक्ट से अपनाएं, क्योंकि अभी इन्होंने ना अपनी रिस्पेक्ट खुद ही खोई है, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू खुद ही खोई है। जिस तरह से इन्होंने ना समझी का व्यवहार दिखाया है, ना समझी की बात की है, ना समझी के डिसीजन लिए है, ये इन्हीं पे भारी पड़ रहे हैं। इनकी इमोशंस में ना काफ़ी ज़्यादा एक बेचैनी है, हो सकता है कि सर दर्द की परेशानी हो, रात को नींद नहीं आती हो, जनरली तो सबको है, बट स्टिल इनके केस में ना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग है और अपनी बार बार गलती का एहसास होना और
कहीं ना कहीं ना कभी कभी ऐसा लगता ना कि यार मेरे साथ जो हुआ ना उनको उनको ऐसा लगता ना मेरे साथ जो हुआ वो सही हुआ या सही हो रहा है क्योंकि मैंने किसी के साथ गलत किया, मैंने किसी का प्यार समझा नहीं इसलिए मेरे साथ अभी ऐसा हो रहा है, मेरा इमोशंस मेरा प्यार कोई समझ नहीं पा रहा है। मैं सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कर रही हूँ बट अपने आप को प्रूव करने का कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कुछ भी सफल नहीं हो रहा। एक वो इंसान था जो मेरे लिए इतना करता था, मैंने कदर नहीं की, मुझे लगा वो डिपेंडेंट है, बहुत इमैच्योर है, ऐसे कैसे ना बार बार, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि जब मिल जाता है ना आसानी से तो इंसान को कदर नहीं होती, बट अभी जब चीज़ें उल्टी हो रही है या ये जब कर रहे मिल नहीं रहा है तो फिर तभी एहसास ज़्यादा हो रहा है कि हाँ जो हुआ गलत हुआ। इन्हें अपनी गलती का एहसास है लेकिन अभी तक वो सॉरी वाली फीलिंग अभी तक आई नहीं, या आ भी रही है ना तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है क्योंकि अपने आप को वो खुद सज़ा देना चाहते हैं या आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहे, ये दूर से देख रहे आपको पूरी तरह नज़र है, दूर से नज़र है आपकी तरफ कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्परर, टेन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, समली से कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप एंड टू ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। सी इंसान को कहीं ना कहीं अपनी कर्मा तो मिल रहे हैं, अपनी दिल तोड़ने वाली एनर्जी तो मिल रही है, बहुत लॉजिकल बहुत प्रैक्टिकल होने की बहुत चाह थी ना, यह बहुत सही लग रहा था ना, ये बहुत भारी पड़ रहा है अभी, बहुत भारी पड़ रहा है, दिल टूटने वाली एनर्जी है और थर्ड पार्टी की तरफ से ऐसी एनर्जी ना कि कितना भी करे मतलब ये कितना प्यार से बोले तभी ताने सुनने मिलते हैं, कितना भी एक्सपेक्टेशन पूरा करे तभी भी कुछ चीज़ें लाइक एक्सपेक्टेशन ख़त्म नहीं होती, ऐसा लगता है कि मतलब कमी है और हर चीज़ आप तो छोटी से छोटी बात में छोटे से छोटी चीज़ में खुश हो जाते थे, अभी कम्प्लीटली चीज़ उल्टा है। आपको ना अचानक से इनकी सरप्राइजिंग एंट्री देख सकती है, ये ऑनलाइन आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, दूर से देखते रहते हैं, दूर से इंतज़ार भी है आपका, और कभी ऐसा लगता है ना कभी कभी आप बहुत दूर चले गए हो तो इन्हें सॉरी वो डिस्टेंस से ना बहुत ज़्यादा दूर लग रहा है, बहुत ज़्यादा दूर लग रहा है। एम्परर, इनकी जो प्रैक्टिकल लॉजिकल और जो अकड़ वाली या जिद वाली एनर्जी है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, दुख भी मेरे, प्रॉब्लम भी मेरे, तकलीफ भी मेरी, प्यार भी मेरा, हर चीज़ मेरी, तो वो चीज़ तो है। यहाँ पे जुड़ने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन, ये डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है कि जो भी हो रहा है ना वो दोनों के एक रिलेशन के लिए ही हो रहा है, कनेक्शन के लिए ही हो रहा है, पॉसिबल है ना, जैसे कहा था कि ये मैरिड हो सकते हैं या तो फैमिली की वजह से सब कुछ है वो हो रहा है वो जो भी है, लेकिन थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, बट वहाँ पे ना कुछ बात नहीं बन रही है और ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी खुशहाली वो ज़्यादा इमेजिन करना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो एक इमेजिनेशन उनकी लाइफ का ना एक सपोर्ट सिस्टम। तो यदि रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स।